हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एनसीसी फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपके लिए अपने नए यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी इस चैनल के माध्यम से आवश्यक जानकारी लेकर आया हूं, जो कि आपके एनसीसी पंजीकरण से संबंधित है। वीडियो को पूरा देखिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य कीजिएगा। एनसीसी रजिस्ट्रेशन इस वर्ष ऑफलाइन एनसीसी पंजीकरण प्रारंभ हो गया है, जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। आप अपने कॉलेज के एनसीसी कार्यालय से इसके संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। नियमित छात्र जो विद्यालय के होंगे वो इस ऑफलाइन पंजीकरण में प्रतिभाग कर पाएंगे। इसके लिए जूनियर डिवीजन हेतु आपकी जो एज है वो 13 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए आपकी भर्ती की तिथि को, और अगर आप सीनियर डिवीजन में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो सीनियर डिवीजन के लिए आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है। सीनियर डिवीजन हेतु कक्षा 10 पास छात्र या छात्राएं ही क्या कर पाएंगी, प्रतिभाग कर पाएंगी। आप जानते हैं इस ऑफलाइन पंजीकरण में आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पिछली कक्षा के अंक पत्र की फोटोकॉपी पंजीकरण फॉर्म के साथ संलग्न करनी पड़ेगी। पंजीकरण फॉर्म आपको अपने एनसीसी कार्यालय से या मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रदान कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या अपने विद्यालय के कॉलेज के एनसीसी ऑफिस से प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी इस पंजीकरण फॉर्म के साथ लगानी होगी। इसके अलावा आपकी वर्तमान कक्षा की फीस की रसीद भी आपको इस पंजीकरण फॉर्म के साथ लगानी होगी, और इसके साथ साथ आपको अपने बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी लगानी होगी। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगाने के साथ साथ आप फॉर्म को सही ढंग से भरकर अपने एनसीसी कार्यालय में जमा करेंगे। उसके पश्चात पंजीकरण के पश्चात एनसीसी कार्यालय की तरफ से भर्ती की तिथि घोषित की जाएगी और आपको व्यक्तिगत रूप से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना होगा, जिसमें शारीरिक नापतोल आपका होगा सबसे पहले, उसके पश्चात आपका फिजिकल टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसको उत्तीर्ण करने के पश्चात सामान्य ज्ञान परीक्षा व आपके अंक मेरिट के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर आपकी भर्ती संपन्न होगी। फाइनल मेरिट आने के पश्चात आप एनसीसी ऑनलाइन पंजीकरण कर पाएंगे। इसके लिए आप मेरा वीडियो आने वाला जरूर देखिएगा कि आप जो है किस प्रकार से पंजीकरण, यदि ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करेंगे, यदि ऑफलाइन होता है तो उस फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे। धन्यवाद।